हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉट एयर ओवन। तो आइए सबसे पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं हॉट एयर ओवन का। हॉट एयर ओवन जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ड्राई हीट यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें जो प्रेजेंट जितने भी काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल किया जाता है, तो इसी को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के जो राइट साइड में आप जो ये नॉब देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ नॉब है। इसको हम राइट साइड रोटेट करते हैं तो ग्रीन लाइट ऑन होता है जो इंडिकेट करता है हॉट एयर ओवन ऑन हो चुका है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग नॉब है जिसको हम राइट साइड रोटेट करते हैं टू सेट द टेम्परेचर, और इसको हम लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं, और ये जो राइट साइड रोटेट करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और लेफ्ट साइड मीन्स एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने से टेम्परेचर रिड्यूस होता है अकॉर्डिंगली। उसके बाद नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हैं, ये थर्मामीटर है टॉप में, और इसका जो एक साइड होता है, जो टिप होता है, वो हॉट एयर ओवन के अंदर होता है, और ये थर्मामीटर इंडिकेट करता है हॉट एयर ओवन के अंदर जो टेम्परेचर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हॉट एयर ओवन का जैकेट है, और ये जो जैकेट होता है ये डबल वॉल इंसुलेटेड होता है, मतलब कि जो दो वॉल होते हैं, इस दो वॉल के अंदर जो है जो मटेरियल प्रेजेंट होता है इंसुलेशन के लिए, वो मटेरियल ग्लास वूल फाइबर से बना हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्लास वूल फाइबर है, और इसी फाइबर से बना हुआ ये ग्लास वूल का थिन फिल्म है, और ताकि अंदर से जो हीट है वो बाहर रिलीज ना हो, इंसुलेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैंडल है, और इस हैंडल की मदद से हम डोर को ओपन करते हैं हॉट एयर ओवन का। और हॉट एयर ओवन का डोर ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रे है, और इसी ट्रे में हम जिस ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल को हमको स्टरलाइज करना है उसमें रखा जाता है। अब हम हॉट एयर ओवन के दूसरे पार्ट्स को समझाने के लिए इस तरीके से हम ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं, और आप ये जो देख रहे हैं ये टेम्परेचर सेंसर है, और ये जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये हॉट एयर ओवन के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको सेंस करता है, और हॉट एयर ओवन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मीन्स जो हम टेम्परेचर सेट किए हुए हैं उस टेम्परेचर से अगर हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो ये ऑटो कट हो जाता है, और उसके बाद अगर हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर सेट किए हुए टेम्परेचर से कम होता है तो वापस से हीटिंग स्टार्ट हो जाती है हॉट एयर ओवन की। इसके बाद ये जो हॉट एयर ओवन का जो ट्रे होता है जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, इस ट्रे को हम इस तरीके से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर रखा हुआ है ये ट्रे, इसको हम इस तरीके से जो नीचे वाले सेक्शन में इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं येल्लो टिप, ये थर्मामीटर का है, और ये जो थर्मामीटर होता है ये हॉट एयर ओवन के अंदर जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है उसको इंडिकेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं हॉट एयर ओवन के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो वेंट दिए हुए होते हैं, और इस वेंट के थ्रू जो हॉट एयर ओवन के अंदर जो हॉट गैसेस होते हैं, जो वेपर होता है वो रिलीज होता है। ये जो आप देख रहे हैं हॉट एयर ओवन के ट्रेस में परफोरेशंस होते हैं, और ये परफोरेशंस इसलिए होते हैं ताकि जो हॉट एयर ओवन के अंदर जो हॉट गैसेस है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो सके। और क्या किया जाता है, हॉट एयर ओवन में जिस ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करना है उसको ट्रेस के ऊपर रख दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो नॉब है, यहाँ पे जो हॉट एयर ओवन का जो डोर होता है वो प्रॉपरली फिट होता है, लॉक होता है, और वापस से हम इस तरीके से ट्रे को लगा देते हैं और हॉट एयर ओवन के डोर को क्लोज करते हैं। और हमने जो हॉट एयर ओवन के अंदर जो दो वेंट देखे थे तो हम इसको बाहर से देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दो साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में वेंट होते हैं ताकि जो वेपर है, जो हॉट वेपर है वो रिलीज हो सके। और ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर और टाइम रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर हम हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो जो हमारे ऑब्जेक्ट को जो टाइम रिक्वायर होता है स्टरलाइज करने के लिए वो है 60 मिनट। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर जो हॉट एयर ओवन का 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को जो स्टरलाइज करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो है 40 मिनट्स। वैसे ही 180 डिग्री सेल्सियस रखते हैं अगर हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर तो हमको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो है 20 मिनट। तो ये हो गया टेम्परेचर एंड टाइम रिलेशनशिप। हॉट एयर ओवन हम यूज करते हैं ग्लासवेयर्स की स्टरलाइजेशन के लिए, जैसे कि पेट्रेडेस फ्लास्क हो गया, पेपर्स हो गए। वैसे ही हम पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, मीन्स हॉट एयर ओवन को यूज करते हैं। वैसे ही मटेरियल जिसमें ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं या जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे स्काल्पल्स हो गए, सीजर्स हो गए, तो इनको स्टरलाइज करने के लिए भी हॉट एयर ओवन यूज किए जाते हैं।
Thank you very much for watching this video. If you like this video, then subscribe our channel Solution. Thank you.